हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग सामान्य विज्ञान जनरल साइंस से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक रेलवे, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, एमएससी, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएड, एनवीएस, केवीएस। इन सभी एग्जाम में स्टूडेंट्स जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज मैं जो ये वीडियो लेके आया हूँ, ये इन सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पक्का 110% स्टूडेंट्स इसमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो आप लोग इसको जरूर से ध्यान से देखिएगा और पूरा वीडियो स्टूडेंट्स प्लीज देखना, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और स्टूडेंट्स, ये इस वीडियो का ये तीसरा पार्ट है, पार्ट थर्ड है, और इसके पहले भी दो पार्ट को अपलोड किया जा चुका है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, लाल रुधिर कोशिकाओं में लाल रंग का वर्णक पाया जाता है जो क्या कहलाता है? हीमोग्लोबिन। ओके, आरबीसीएस रेड ब्लड सेल्स में जो रेड कलर होता है वो किस पिगमेंट के प्रेजेंस की वजह से होता है? वो हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस की वजह से होता है। कौन से तरंगों को संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? प्रकाश तरंगों को संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तार में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तार की लंबाई, धातु की प्रकृति और मोटाई पर निर्भर करती है। स्टोमेटा या रंध्र पत्तियों की सतह पर बने लघु छिद्र होते हैं जिसके माध्यम से पौधे ग्रहण करते हैं क्या? CO2। ओके, फ्यूज के कार्य करने का सिद्धांत है कि वह बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और पिघल जाता है। एक सेब पेड़ से सीधे नीचे जमीन पर गिरता है और इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। ओके, कोयले से प्राप्त एक उत्पाद जिसका उपयोग पेंट, विस्फोटकों और प्लास्टिक के निर्माण में शुरुआती सामग्री के लिए किया जाता है क्या कहलाता है? तार। बावरी क्या होता है? जल इकट्ठा करने का एक पारंपरिक तरीका। मेंढकों में कायांतरण के लिए सबसे जिम्मेदार हार्मोन क्या है? थायरोक्सिन। इंद्रधनुष स्पेक्ट्रम का एक एग्जाम्पल क्या है जो इसके कारण उत्पन्न होता है? प्रकाश का परिक्षेपण। संपूर्ण दहन के दौरान गैस स्टोव बर्नर में उत्पन्न हुई लौ का रंग क्या होता है? नीला। ओके, बिजली के बल में तंतु का ऑक्सीकरण रोकने के लिए एक गैर अभिक्रियाशील गैस भरी जाती है, इस गैस का नाम क्या है? ऑर्गन। बिजली के बल्ब में ऑर्गन गैस भरी जाती है। ओके, ये एक गैर अभिक्रियाशील गैस होती है। ओके, रिएक्टिव नहीं होती है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा का माप क्या कहलाता है? आर्द्रता। जल और वातावरण की परिस्थिति से बचने के लिए हर साल एक विशेष समय के दौरान टूर स्थानों के लिए उड़ान भरने वाले पक्षी क्या कहलाते हैं? प्रवासी पक्षी। ठीक है, ठंडी के आप दिनों में मैक्सिमम देखोगे एक विशेष तरीके के पक्षी ये अचानक से आ जाते हैं और मैक्सिमम आपको ये ठंडी ये नदियों के किनारों पर या नदियों के सतह पर ये आपको तैरते दिख जाएंगे। तो इन पक्षियों क्या कहते हैं? प्रवासी पक्षी। ठीक है, तो नेक्स्ट, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है जबकि चंद्रमा पर नहीं है, ऐसा क्यों? ऐसा पर्याप्त गुरुत्वीय बल के अभाव की वजह से है। ओके, खातिका क्या है? सिंचाई की एक विधि है। डॉक्टरी थर्मामीटर को इसमें डुबोकर रोगाणु रहित मनाया जाता है, किसमें? अल्कोहल में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर, यकृत। कागज का जलना कौन सा परिवर्तन है? केमिकल रिएक्शन, रासायनिक परिवर्तन। रक्त में सही लवण संतुलन बनाए रखने वाला हार्मोन क्या है? एड्रिनलिन। सब्जियों, फलों के छिलकों, बची हुई खाद्य सामग्री को अभ्रष्ट होने में कितना समय लगता है? 1 से 2 सप्ताह। पौधों द्वारा जल को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ट्रांसपिरेशन। वाष्पोत्सर्जन। अंतर्जलीय भूकंप तरंगे क्या कहलाती हैं? सुनामी। चौलाई और घास किस प्रकार के पौधे हैं? खरपतवार। और किस ताप पर संग्रहित करने पर भोजन महीनों तक खराब नहीं होता? -18 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखने पर भोजन महीनों तक खराब नहीं होता है। कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल सकती है और हमारी मृत्यु का कारण बन सकती है? कार्बन डाइऑक्साइड। फॉरेनहाइट पैमाने पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पैमाने पर कितनी डिग्री के बराबर होगा? 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड। फॉरेनहाइट पैमाने पर 100 डिग्री सेल्सियस पैमाने पर कितनी डिग्री के बराबर होगा? तो ये 100 डिग्री फॉरेनहाइट पैमाने पर बराबर होगा सेंटीग्रेड सेल्सियस पैमाने में 37.8 डिग्री सेल्सियस के। भारी वर्षा व पवन के कारण उपजाऊ ऊपरी मृदा की हानि क्या कहलाती है? मृदा अपरदन। जब हम टेलीविजन की आवाज़ तेज करते हैं तो हम किसे बढ़ा रहे हैं? आयाम को। दही में कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। कोल गैस का मिश्रण क्या होता है? मीथेन, हाइड्रोजन एंड CO2 इज अ मिक्सचर ऑफ कोल गैस। सबसे कम घनत्व किस ग्रह का है? शनि का। एक कार द्वारा तय की गई दूरी को किससे मापा जाता है? ओडोमीटर से। एक ऋतु एक खेत को खाली छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्षेत्र परती। पूरी एक ऋतु तक
खेत को पूरी एक पूरी सीजन तक खेत को खाली छोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है क्षेत्र परती। स्कूटर के साइड मिरर में सभी वस्तुओं की छवि कैसी दिखाई देती है, वस्तुओं की तुलना में उनसे छोटी। वह सुरक्षित क्षेत्र जहां जानवर बिना किसी बाधा के अपने प्राकृतिक निवास स्थान में रहते हैं क्या कहलाता है, अभयारण्य, अभ्यारण कहलाता है। दूरी कौन सी राशि है, अदिश राशि। तापमान की एसआई इकाई केल्विन। मृदा अपरदन को रोकने की सर्वोच्च विधि कौन सी है, वन रोपण। संचारण रोकने के लिए लोहे के पाइप और सीटों पर जिंक धातु की कोटिंग की जाती है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, गैल्वेनाइजेशन, जस्तीकरण। ओके, भोजन संग्रहित करने किए जाने वाले लोहे के डिब्बे को टिन से विद्युत लेपित किया जाता है, क्योंकि टिन लोहे की तुलना में कम अभिक्रियाशील है और भोजन को खराब होने से बचाता है। परिपथ किसे कहते हैं, बिजली के प्रवाह के पूरे पथ को। यदि हम नौकायन बंद कर दें तो नाव स्थिर अवस्था पर आ जाती है। ओके, और वस्तुओं की गति की अवस्था को बदलने के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है, घर्षण बल। कुछ जूस के पैकेटों में चेतावनी होती है कि यदि पैकेट फूला हो तो उसे खाएं या पिए नहीं। वह प्रक्रिया जो पैकेट को फुलाती है उसे क्या कहते हैं, किण्वन, फर्मेंटेशन। ध्वनि किसमें यात्रा नहीं कर सकती, निर्वात में। एक सामान्य मानव कोशिका में उपस्थित गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 46। गहरे रंग में कपड़े सर्दियों की गहरे रंग के कपड़े सर्दियों में पसंद किए जाते हैं, क्यों, क्योंकि वह गर्मी को अवशोषित करते हैं। ताजमहल किसके कारण क्षतिग्रस्त हो रहा है, एसिड रेन, अम्लीय वर्षा के कारण। सर्दियों में स्वेटर निकालते समय चटचटाहट की ध्वनि सुनाई पड़ती है, क्योंकि घर्षण से विद्युत आवेश उत्पन्न होते हैं। स्टूडेंट्स, अगर अभी भी आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा स्टूडेंट्स, और इसको नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन रखिएगा, जिससे कि इस चैनल पर जितने भी वीडियो अपलोड हो आप लोग को मिलते रहें, जो कि आप लोग के एग्जाम्स में बहुत ही हेल्पफुल हो और आप लोग अपने एग्जाम को क्वालिफाइड करें स्टूडेंट्स। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलना, और इसको लाइक कीजिएगा स्टूडेंट्स जरूर से। चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, ऑक्सीएसिटिलीन टॉर्चों का इस्तेमाल किसमें किया जाता है, वेल्डिंग और धातुओं को काटने में। विद्युत उपकरण में सुरक्षा डिवाइस क्या है, फ्यूजल। को प्रदूषित करने वाले मल पदार्थ खाद्य अपशिष्ट जैसे संदूषक क्या कहलाते हैं, जैविक संदूषक, संदूषक। पैन और अन्य बर्तनों में टेफ्लॉन कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि टेफ्लॉन का गलनांक अधिक है जो चीज़ों को चिपकने और जल्दी से रोकता है। ओके, लड़कों में आवाज़ के बदलाव, चेहरे पर बाल, कद्दू के चौड़े होने के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन। कोशिका का मस्तिष्क किसे माना जाता है, न्यूक्लियस को, केंद्रक। सुअरों में स्वाइन फ्लू बीमारी का कारण क्या है, इन्फ्लुएंजा नामक वायरस। स्टेनलेस स्टील के बर्तनों का निचला हिस्सा तांबे का बनाया जाता है, क्योंकि तांबा उष्मा का सुचालक है। पेट्रोलियम परिष्करण से प्राप्त बिटुमेन के अंश का प्रयोग किसमें किया जाता है, सड़क के प्रस्थलेपन यानी रोड सरफेसिंग में। एस्टिगमेटिज्म एक बीमारी है, किसकी, आँखों की बीमारी है। स्टूडेंट्स, ये वीडियो मैं यहीं पर रोक रही हूँ, और आप लोग प्लीज़ इस चैनल से जुड़े रहिएगा, इसके आगे की वीडियो मैं जरूर से अपलोड करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग।